ही है, जो 30 महत्वपूर्ण 300 पदों पर भर्ती वैकेंसी जारी हुआ है, उसमें आपका 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का 30 नंबर का वेटेज है, तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे डेली। अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपका 30 30 क्वेश्चन करेंगे 30 दिन में, तो 900 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अमान्य वीडियो रिसोल्यूशन यानी कि इनवैलिड वीडियो रिसोल्यूशन वीडियो का संकल्प है। ठीक है, तो जिसको मालूम है यहाँ पर कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी को मैं 1 सेकंड का आंसर देने के लिए आप सभी को समय दूंगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। ऑप्शन ए 640 क्रॉस 480, ऑप्शन बी कहता है 800 क्रॉस 680, ऑप्शन सी कहता है 1024 क्रॉस 768, या ऑप्शन डी कहता है 1152 क्रॉस 864, है ना। प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रिकॉर्डेड है, इसको हम अपलोड कर देंगे। साथ ही मेंबरशिप में अगर क्लास करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 499 रुपये पैसा देना पड़ेगा, पैड क्लास 499 रुपये। जिनको चाहिए वहां पर आप पैड क्लास कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर यूट्यूब पर आपको पढ़ाई करना है तो यूट्यूब पर आप कर सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। टोटल मैंने आपको बताया था कि हॉस्टल वाले ने सिलेबस आपको कंप्लीट जानकारी बता दिया था कि कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते, या इसकी योग्यता क्या होगी, सभी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए यहाँ पर हम आंसर करते हैं, इसका आंसर कौन सा होगा जी, तो इसका आंसर होगा आपका 800 से 680। याद रखना 800 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी। जितने लोगों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर शब्द, जो सॉफ्टवेयर शब्द है उसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो चलिए देखेंगे इसका आंसर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। ये छत्तीसगढ़ संयुक्त तो भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर के 30 प्रश्न पूछे गए थे, तो हॉस्टल वाडाना में क्या पता ऐसे एग्जाम देखने को मिल सकता है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, तो सॉफ्टवेयर शब्द जो है आपका सर्वप्रथम किसने किया था, डेनिस रिचे ने, विस्टन टोके ने, या रेनॉल्ड ड्यूकिंग ने, या जॉन वी टुके ने, तो इसका आंसर आपका होगा डी। जितने लोगों का आंसर डी आएगा बिल्कुल सही है। ठीक है, जितने लोगों का आंसर डी आएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कहता है कि खाली स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, तो ये कौन सा है, सिस्टम बस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर रोम, या फिर हार्ड डिस्क, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए, जो खाली स्थान का हाइपर थ्रेडिंग होता है तो सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता क्या, देखिए एक क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको हल करके दिखाएंगे जी। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जैसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर 100 क्वेश्चन हम करके जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 3 क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कल के टॉपिक में शाम को जो बैच रहेगा 7:30 को, उसमें हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, पूरा फुल फॉर्म का क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है फुल फॉर्म, है ना। तो देखिए, कंप्यूटर में फुल फॉर्म से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से रट लेना। मैं जो टॉपिक लेकर आऊंगा शाम को लिखित के साथ, नोट्स के साथ, ठीक, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। अब देखेंगे सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसी प्रकार जैसे अगर पूछ दिया जाए एएलयू, तो एएलयू का मतलब क्या होता है जी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर सीडी का पूछ लिया जाए, सीडी का कंपैक्ट डिस्क, इसकी भंडारण क्षमता पूछता है, तो भंडारण क्षमता कितना है, 700 MB। ठीक, याद रखना। ब्लू रे डिस्क का पूछ दिया जाए, या फिर सीडी डीवीडी का पूछ दिया जाए, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, या वर्सेटाइल भी बोला जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोला जाता है। इसकी जो एमबी होती है सिंगल लेयर 4.7 GB। ठीक, और एक हार्ड डिस्क का आता है, जो इसका आता है फ्लॉपी डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क इसका रहता है 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क का। ठीक है, सबसे कम। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ। चौथा क्वेश्चन है, खालिस्तान को समझने के लिए, खालिस्तान भाषा को, लैंग्वेज समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवाद यानी कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, तो किसको नहीं होती,
उच्च स्तर भाषा हाई लेवल को, या फिर चौथी पीढ़ी मशीन असेंबली, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखते हैं तो मैं कहता हूँ आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वीडियो में एक बार देखने से कुछ नहीं, कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करें। पहले तो एक बार रीडिंग कर लें, है ना, ऐसे एक नजर देख लीजिएगा। सेकंड में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के प्रयास कीजिएगा। तीसरा में आप लोग फट फट ऐसे मतलब टिक लगाते चलेगा, इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर यह होगा। चौथे बार आप अगर वीडियो को देखोगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसका आंसर यह होगा, आप ऐसे खुद लगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे अभी, उसमें आप लोगों को कितना सही हो रहा है। सही सही आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना आप लोग कि कितने नंबर तक आपका बना। 30 में 30 क्वेश्चन अभी करेंगे, उसमें कितने लोगों को सही हो रहा है ना। और पहली बार है तो क्या करती है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना, तब मैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए, ठीक। और वीडियो को क्या करोगे, शेयर तो करना ही है, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जितने लोग हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक। तो चौथा का आंसर कौन सा होगा जी, चौथा का आंसर आपका होगा मशीन। ऐसी भाषा को समझने के लिए सबसे अनुवाद ट्रांसलेट की आवश्यकता नहीं होती, मशीन को तो होता ही नहीं, बाकी सभी को होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी मशीन, ठीक है जी। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा जी, बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा। पांचवा है आईबीएम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर, यानी कि एएससीसी। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल एंड कैलकुलेटर, ठीक। तो इसको क्या कहा जाएगा, इनाईक मार्क वन, एनालिटिक इंजन यानी कि विश्लेषणात्मक इंजन, या फिर यूनिवे। तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। पांचवा का आंसर होगा आपका बिल्कुल सही जवाब, जितने लोगों का आ रहा है, बी मार्क वन, ठीक। एक कंप्यूटर में कौन से पंखा से जुड़ा होता है, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं तो उसमें कौन से पंखा से जुड़ा होता है, रैम, वीडियो, रोम, या फिर सीपीयू। छठवा का आंसर क्या होगा, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। देखिए जो सीपीयू लगा होता है नीचे में, पंखा जैसे घूमता रहता है ना, जब हम कंप्यूटर चालू करेंगे तो घूमते रहता है, ठीक है, वो आपका सीपीयू होगा। आप सभी लोगों को फुल फॉर्म बताइएगा इसका, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए फुल फॉर्म। चलिए पहला का क्या होगा, नोट करते चलेंगे क्या पहला का। चलिए तो पहला का यहाँ पर देखिए रैम, RAM, रैम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होगा जी, तो रैम का फुल फॉर्म होगा, याद करते चलेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पूरा टॉपिक मैं आपको क्लियर वाइज कराऊंगा, सब्जेक्ट वाइज, हर दिन हर वीडियो में एक एक दो दो वीडियो लेकर आऊंगा, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ठीक है। पूरा वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार आप बार बार देखते रहो, ठीक है, मैं डिलीट नहीं करूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा क्या है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक, VDU। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप लोग नोट कर लीजिएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है। रोम का रीड ओनली मेमोरी, रोम क्या आ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी। मेमोरी से भी क्वेश्चन करेंगे, मेमोरी से बहुत सारे एग्जाम मेमोरी से पूछा जाता है, सबसे खास तौर पर मेमोरी से 3 से 4 नंबर के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेमोरी का टॉपिक करेंगे, पहले फुल फॉर्म कर लेंगे शाम को, उसके बाद हम मेमोरी का क्वेश्चन करेंगे। सीपीयू आप सभी को मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। क्लियर समझ में आया आपको, क्लियर समझ में आया जी, बिल्कुल। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, वीडियो को लाइक करना है, 500 लोग इस वीडियो को देख रहे हो, है ना, तो वीडियो को लाइक करना चाहिए, कम से कम 200-300 लाइक आना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, कौन से डिवाइस में एक बेलना का ड्रम होता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें बेलना का ड्रम यानी कि साइकिलिंग साइड ड्राइंग ड्रम होता है, जिसे फोटोग्राफर यानी कि तस्वीर ग्राही कहा जाता है, तस्वीर ग्राही, ठीक। क्या होगा, जो लेजर प्रिंटर होता है ना जी, उसी को बोला जाता है तस्वीर ग्राही, ठीक। एक बार अच्छे से समझिएगा, आंसर ए डिजिटल कैमरा, आंसर बी स्कैनर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर, या ऑप्शन डी लेजर प्रिंटर। तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो लेजर प्रिंटर को पेज पेज प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। अब प्रिंटर देखिए, अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे प्रिंटर होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये
प्रिंटर जितने भी क्वेश्चन आए उससे टॉपिक रिलेटेड मैं आपको बताते चलूंगा, है ना। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक। 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो 30 क्वेश्चन है आपका 90 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक। 30 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन के बराबर है। तो देखिए प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है आपका, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखेंगे यहाँ पर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में। तो इम्पैक्ट में डॉट, डेजी, लाइन, ड्रम, चेयर, ये सभी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर, इसको क्या कहते हैं, थर्मल। दूसरा है आपका आ जाएगा लेजर, लेजर। तीसरा आ जाएगा इंक जेट। अब ये जो लेजर है उसको क्या, पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। बस ये तीनों याद रखना, नॉन इम्पैक्ट में थर्मल, इंक जेट, लेजर। बाकी सभी जितना भी टॉपिक आएगा वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। 8वां क्वेश्चन है गोल्फ बॉल, यानी कि प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर क्या है जी, गोल्फ बॉल का प्रिंटर क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो गोल्फ बॉल होता है उसको डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है, याद रखना ऑप्शन सी होगा। जितने लोगों का आया है आंसर सी, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना पूरा। कौन सा एक युग्म मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुक्त मतलब फ्री है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा नहीं है पूछा गया है। कौन सा एक युग्म का मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। भाई एक्सट्यूल, उबंतु, सिलेवर, डेस्कटॉप, उबंतु। तो इसका आंसर आपका ए होना चाहिए। जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया। तो माई एक्सट्यूल क्या है, मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है, बाकी सभी फ्री है। उबंतु, सिलेबस, उबंतु, जैसे गूगल, जैसे हम जैसे गूगल में सर्च करते हैं ना कुछ भी चीज, फ्री में तो कर रहे हैं ना, पैसा लग रहा है आपको, नेट का खर्चा लगेगा भाई, बाकी तो फ्री है, क्रोम है। बाकी ऐसा है कि माई एक्सक्यूल जो है पैसा देना पड़ेगा, फ्री नहीं होता। तो मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता तो वीडियो को आप कमेंट में कर सकते हैं, सर आपका वीडियो अच्छा नहीं है, ठीक। ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई प्रॉब्लम। 10वां क्वेश्चन कहते हैं कौन सा विंडो 7 यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण यानी कि वर्जन नहीं है। तो मैं कहूंगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, बने रहिएगा भाई। हम धीरे धीरे एक एक दिन करके आपको पूरा टॉपिक कवर कराएंगे हॉस्टल बढ़ाने के लिए, ठीक। तो बेस्ट है। तो कौन है अल्टीमेट, प्रोफेशनल, मैक्सिमम या होम प्रीमियम। तो 10वां का आंसर कौन सा हो जाएगा, 10वां का आंसर आपका होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम। 11वां क्वेश्चन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक कंप्यूटर को बूट करने पर, जैसे हम कंप्यूटर को बूट करेंगे तो स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होगा, जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या प्रदर्शित होगा, आइकन, फोल्डर, डेस्कटॉप या लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह। तो क्या होगा जी, देखिए जब हम विंडो यानी कि जो विंडो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक कंप्यूटर में बूट कराने पर स्क्रीन में आपका डेस्कटॉप, आप पीजीडी से या डीसी कोई करे होंगे या जो कंप्यूटर चलाए होंगे उनको मालूम होगा, ठीक। एमएस वर्ड में सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने से कौन सी क्रिया होती है। अब मैं आपको बता दूंगा कि ये जो फंक्शन होते हैं F1 से F12 होता है, यानी कि एक फंक्शन की होता है F1, F2, F3, F4 जैसे पूरा 12 तक होता है, वहां से कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको टॉपिक यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले F1, F2, F4, F5, F7 और F12, बस इसको इतना सारा बस आप पढ़ लो, इतना सारा बस पढ़ लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है ना। तो F1, F2 क्या होगा, ये मैं लास्ट में बताऊंगा फंक्शन की वाला, ठीक। तो ये सेव एस डायलॉग्स बॉक्स संवाद खुलता है, सेव एस, ठीक, ये आपका आंसर ए होगा। एमएस वर्ड में सॉफ्टवेयर के एक पेज की सेटिंग के लिए मार्जिन प्रदान करता है। देख जैसे हम पेज के सेटिंग के लिए मार्जिन प्रदान करेंगे, कौन सा आएगा,
क्षैतिज ऊर्ध्वाधर यानी कि होरिजोनटल एंड वर्टिकल, या फिर ऊपर से नीचे यानी टॉप बटन, या फिर बाएं या दाएं से लेफ्ट राइट, या फिर ऊपर नीचे बाएं दाएं दो भी, टॉप बटन लेफ्ट एंड राइट, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? डी। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो ऐसे ही चाहिए तो आप, पार्ट टू वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा सर हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए करके, है ना। वीडियो पर पहली बार आए तो मैं बार बार कहूंगा वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, ठीक। वीडियो में लाइक नहीं करते जी मजा नहीं आएगा, फिर आप लोगों का परफॉर्मेंस अगर मुझे पसंद नहीं आएगा फिर मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, ठीक। देखिए क्या है, आप सभी के लिए बैठ कर दो दो घंटा तीन तीन घंटा मेहनत करते हैं यहाँ पर कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप हमारी मेहनत को जाया ना कीजिए ना, वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक। तो होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? देखिए मॉडेम, गेटवे, मॉनिटर या पेरिफेरल डिवाइस, इसका आंसर 14 का कौन सा होना चाहिए? देखिए जब भी हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है तब हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है, मॉडेम का। और मॉडेम होता क्या है, तो मोबाइल फोन जो होता है वहां से हम उसको कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से, वही आपका मॉडेम है, ठीक। जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे या मोबाइल को कनेक्ट करेंगे वही आपका मॉडेम कहलाता है। सर्च इंजन का उपयोग क्या है, कैसे करते हैं सर्च इंजन? तो सर्च इंजन वीडियोस, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, ये सभी आए, इसका आंसर डी। सर्च इंजन यानी कि जैसे कुछ गूगल से कुछ भी सर्च करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना भाई, है। चलिए 16, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर में जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है? इंटरनेट, आर्चिकेट बोर्ड, आईएबी फुल फॉर्म है, इंटरनेट सोसाइटी आईएस का फुल फॉर्म है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कोई नहीं, क्या हो? इसका आंसर सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः किसमें छिपा होता है? किसमें छुपा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या हार्ड डिस्क ड्राइव या एपीजी, क्या है? जो कंप्यूटर वायरस होता है सामान्यतः आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में छुपा होता है, दोनों में, ऑपरेटिंग में भी और एप्लीकेशन में भी, दोनों में छुपा होता है, ठीक। कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार अपने कंप्यूटर में जमने के बाद इंटरनेट के ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विसाइडेड साइट को टॉपिक से संबंधित विज्ञापन यानी एड की ओर भेजता है? बैकडोर, एडवेयर, मालवेयर, बूट्स, इसका आंसर आपको बी होना चाहिए जी, एडवेयर, सॉरी लेकिन इसका आंसर एडवेयर नहीं लग रहा है मेरे को, बैकडोर होगा जाए, ए आंसर होगा, ए बैकडोर, बैकडोर होगा आंसर। मतलब पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपका इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर ले रहा है, मतलब बैकडोर होगा इसका आंसर, ठीक। आमतौर पर गुप्त रूप से यानी कि टाइपिकली कन्वर्टरी से कीबोर्ड पर की से जो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि कीबोर्ड का जो उपयोग करने वाले व्यक्ति इसे अनजान होता है या किसी कोई कार्य पर नजर रख, क्या हुआ? डेनियल ऑफ सर्विस, की लॉगिंग, एक्सप्लोइटिंग या स्कैम, इसका आंसर की लॉगिंग होना चाहिए, आंसर बी, ठीक। आप लोगों को क्या आंसर आ रहा है कमेंट में बताइएगा। इमेज का छोटा रूप, ये बार बार एग्जाम में पूछा रहा है, 2 से 3 बार हर एक एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जो इमेज होता है छोटा रूप होता है उसको क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, बीट मैप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक या थंबनेल। आप सभी को मालूम होगा जो इमेज है जो छोटा रूप होता है उसको थंबनेल कहते हैं, क्या कहते हैं? थंबनेल, आंसर डी होगा। 21 का क्वेश्चन करते हैं कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फुल फॉर्म है ये, कंप्रेस करने के लिए उपयोग होता है, क्या होता है? फ्रेम, इमेज, ऑडियो या वीडियो, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पर पूछ ही दिया है एमपीईजी, अब एमपीईजी होता क्या है जी? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कल ही वीडियो में बताया था एमपीईजी, इसका फुल फॉर्म भी बताया था पार्ट वन वीडियो में, इसका कंप्यूटर का मैं उसको इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में डाल दूंगा, वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो एमपीजी मैं बताया था पूरा ये पार्ट वन वीडियो में, ये आपका पार्ट थ्री वीडियो है, ठीक।
एमपीजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपको वीडियो के लिए संबंधित है। अगर आईएमजी पूछा जाए, आईएमजी या पीएनजी पूछा जाए, ये इमेज से संबंधित। ठीक, एमपी3 पूछ दिया गया, एमपी3 पूछ दिया, ये कौन सा है? सॉन्ग से, यानी कि आ जाएगा गाना। ठीक है, एमपी3 क्या होगा? सॉन्ग आ जाएगा। अगर एमपी4 पूछ दिया, एमपी4 क्या है? वीडियो ही है आपका। एमपी4 क्या है? वीडियो ही है। कितना सारा क्वेश्चन हुआ? 21 क्वेश्चन में बहुत सारा हो गया ना। इंटरनेट में ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने से पहले क्या करना आवश्यक है? चेंजलेलाइजेट या मैग्नेट या डिजिटाइट या ऑर्गेनाइट, क्या हो? इंटरनेट में जब ऑडियो हो या वीडियो हो, सिंगल सिग्नल भेजने के लिए सिग्नल भेजते हैं ना, तब डिजिटाइजेट करते हैं। क्या करते हैं? डिजिटाइजेट करते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा? सी। एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है, जब पुनः उप विभाजित सब डिवाइड होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, याद रखना, सेक्टर। इसका आंसर बी होगा। ठीक, कौन सा अलग है? अलग है सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क, एचडी डिस्क, बायोस, क्योंकि सीडी और डीवीडी क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है। एग्जाम में पूछा गया है सीडी डीवीडी ब्लूरे डिस्क भंडारण क्षमता, ये सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ऑप्टिकल डिस्क का होता है, ये सभी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसको याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक, सीडी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB, 1.44 MB, सीडी का 700, डीवीडी का 4.7 GB, ब्लू रे डिस्क का 13 TB के आसपास कुछ है ना, 25 GB, सॉरी, ब्लू रे डिस्क का 25 GB, ब्लू रे डिस्क, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर में नोट कर लो, यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर देखेंगे, ब्लू रे डिस्क का, ब्लू रे डिस्क का आपका हो जाएगा 25 GB, जबकि एक और होता है 13 TB, इसका होता है 6 TB। ठीक है, सबसे बड़ा होता है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसका आंसर अलग पूछा गया है, तो बायोस होगा, इसका आंसर डी, बायोस। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है जी? फ्लॉपी डिस्क सर्कल ट्रैक सेक्टर या एबी या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? फ्लॉपी क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क का एक सर्कल ट्रैक होता है, सर्कल, एक सर्कल होता है, उसमें सेक्टर रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, दोनों होगा। ठीक, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब सीडी रोम आ गया, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है। जो फाइल को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको बर्निंग कहते हैं, जिपिंग, डिजाइटिंग या रिपिंग। इसका आंसर आपका ए होगा, बर्निंग। जब भी हम सीडी में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, रीड ओनली मेमोरी में फाइल को जैसे हम कॉपी करेंगे, तो जो कॉपी करने की प्रक्रिया होती है ना, प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। ठीक, कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम होता है? पेटीएम, चेकआउट कोड या उपयुक्त सभी, कौन सा आएगा? चेकआउट, क्या बोलते हैं इसको? चेकआउट बोलते हैं। ठीक, कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? अब वेब ब्राउजर कौन सा है? याहू, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स या अल्ता विस्टा, क्या होगा? तो वेब ब्राउजर पूछा गया है, तो मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए, इसका आंसर सी। आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है कमेंट करके बताएंगे। चैटिंग के उपयोग होने वाला यानी कि इंसर्ट मैनेजर कौन सा है? जब भी चैटिंग करते हैं तो उपयोग करते हैं, तो उनको इंसर्ट मैनेजर में क्या? गूगल टैल्क, अल्ता विस्टा, मैक या यूट्यूब, इसका आंसर आपको होना चाहिए गूगल टैल्क। जब हम चैटिंग करेंगे तो गूगल टैल्क से इंसर्ट मैनेजर में होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया आउटसाइड वर्ल्ड के बीच बाधा उत्पन्न न करता है, क्या होगा? फायरवॉल, नेटवर्किंग, इंट्रानेट या इंटरनेट। कंप्यूटर को इस क्वेश्चन है, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव किए हैं, जिसमें आपका 90 क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक, अगर हम डेली करेंगे जी, अगर डेली क्वेश्चन करते हैं 30-30 क्वेश्चन,
30 क्वेश्चन करते हैं तो कितना क्वेश्चन हो गया, 900 क्वेश्चन, कितना 900, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा, फायर वॉल, इसका आंसर फायर वॉल, ठीक, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अब चलिए आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक, नोट करते चलेंगे। ठीक है, नोट करते चलेंगे। है ना, चलिए फोल्डर देखते हैं, एफ वन एफ टू एफ थ्री, इसको थोड़ा सा से नोट कर लेंगे ना, एग्जाम पूछता है। एफ फोर एफ फाइव 12 तक पूछता है ना, इसको नोट करेंगे। एफ सिक्स एफ सेवन एफ एफ क्या हो जाएगा, एफ एट एफ नाइन और एफ टेन। अब यहाँ पर आ जाएगा एफ इलेवन एफ इलेवन एफ ट्वेल्व, ठीक। चलिए फंक्शन की एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, F1, F2 कीबोर्ड, तो चलिए नोट करते चलेंगे। चलिए नोट करते चलेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है F1, F1 जो होता है ओपन द हेल्प स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट वेरी प्रोग्राम, यानी कि ओपन हेल्प, हेल्प करना है। F1 में क्या करेंगे, हेल्प, ठीक है, हेल्प करना होता है सबसे पहले, अब याद रखना हेल्प करना, नोट करते जाएंगे। एफ टू क्या हो जाएगा, फोल्डर रीनेम, फोल्डर नाम चेंज करना है, रीनेम फोल्डर, फोल्डर या रीनेम, ठीक। तीसरा एफ थ्री क्या होगा, ओपन इन सर्च इंजन, खुला हुआ सर्च इंजन, ठीक। चौथा है एफ फोर, एफ फोर का मतलब है अल्ट प्लस एफ फोर, अल्ट प्लस एफ फोर, कंप्यूटर को क्या करते हैं, बंद करते हैं चालू करते हैं, यही से होता है एफ फोर, ठीक है। पांचवा क्या है, स्लाइड शो, स्लाइड शो या फिर जूम आउट, ठीक है, स्लाइड शो या फिर जूम आउट, या रिलेटेड पेज को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को स्लाइड शो करते हैं ना, वही है एग्जाम में टॉपिक, एग्जाम में बार बार पूछता है एफ फोर एफ फोर एफ वन, इसको अच्छे से याद रखना। एफ सिक्स क्या है, तो मूव द कर्सर टू एड्रेस बार इन मोस्ट इंटरेस्टेड ब्राउजर, ठीक, मूव करता है। सातवां आ जाएगा आपका स्पेलिंग चेक करता है, करेक्ट स्पेलिंग चेक आउट, ठीक है, ये स्पेलिंग को क्या करता है, चेक करता है, त्रुटि का पता लगाता है, यही है स्पेलिंग चेक करने का, एग्जाम में पूछा जाता है। एफ एट क्या होगा, तो यूज टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज वेयर टर्निंग अप कंप्यूटर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब इस कंप्यूटर को यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो बूट इन मेन्यू करते हैं, ठीक है, आप नोट कर दीजिएगा, बूट ऑफ इन यूज, बूट ऑफ इन यूज। एफ नाइन क्या है, तो रिफ्रेश बटन, जैसे इसको एफ नाइन क्लिक करोगे, रिफ्रेश करोगे बार बार, जैसे बहुत सारे फंक्शन वगैरह खोला जाता है तो इसको रिफ्रेश बटन को क्लिक करते हैं, ठीक है। एफ टेन क्या है, तो एफ टेन क्या, एक आर्टिवेट्स इन द मेन्यू फॉर, यानी कि शिफ्ट प्लस टेन, सेम सेम जो रहता है, सेम सेम करते हैं ना, एफ सॉरी शिफ्ट प्लस एफ टेन, यह आएगा। इलेवन क्या जाएगा, तो इंटर एंड एग्जिट स्क्रीन मोड ऑफ इंटरनेट ब्राउजर, जो इंटरनेट रहता है ब्राउजर, इसको क्या करता है, स्क्रीन पर इंटर करता है, यानी कि बैक करता है, जैसे हम टाइप करते रहेंगे कुछ भी चीज, तो इंटर बटन दबाते तो नीचे चला जाता है, वही वाला है। और एफ ट्वेल्व में क्या करेंगे, सेव सेव अस, ठीक, सेव अस करेंगे।
ठीक है, क्या करेंगे, सेव अस, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। तो फंक्शन से हम देख चुके क्वेश्चन, तो एग्जाम में क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जी। और वीडियो को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद आप सभी को वीडियो को शेयर करना और लाइक तो करना ही है। चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर का टोटल डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मैथ्स से भी क्वेश्चन आएगा जी, मैथ्स से हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और छत्तीसगढ़ का भी क्वेश्चन रहेगा सीरीज बाय सीरीज। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।